आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। राजस्थान में आज मिले 127 नए कोरोना पॉजिटिव, 9 संक्रमित मरीजों की हुई है राजस्थान में मौत। राजस्थान में नए संक्रमित और कोरोना मरीजों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह आई रिपोर्ट में 127 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 9 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। राज्य में अब तक 16,787 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, वही 389 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज सुबह मिले 127 मरीजों में से सबसे अधिक अलवर से 38 और धौलपुर से 30, जयपुर से 13 और कोटा से 12, सीकर से 10 और अजमेर से 5, उदयपुर से 4, झुंझुनू बीकानेर से 3, दौसा डूंगरपुर हनुमानगढ़ नागौर सवाई माधोपुर से 1 संक्रमित मरीज मिला है। जिलों में मिले संक्रमितों के अलावा 4 अन्य राज्यों के मरीज भी यहां पर मिले हैं। संक्रमित मरीजों के साथ साथ जोधपुर जयपुर में 3 और पाली और अजमेर में 1-1 व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हुई है। इधर आज मिले मरीजों में 20 प्रवासी भी शामिल है। प्रदेश में अब तक प्रवासी संक्रमितों की संख्या भी 4,796 हो गई है। अब तक 7,70,174 लोगों की कोरोना की जांच हुई है। प्रदेश भर में अब तक 7,70,174 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 7,50,535 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2,852 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। 87 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि 97 को अस्पताल से छुट्टी आज मिली है। प्रदेश भर में अब तक मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में 3,249 एक्टिव केस अभी बचे हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों पर नजर डालें तो 13,149 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, इनमें 12,869 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज सुबह 87 मरीज कोरोना से रिकवर हुए, जबकि 97 पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री बोले, राज्य में कोरोना रिकवरी दर 69%, जो देश में सबसे ज्यादा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को बताया कि प्रदेश में 19 जिलों में 26 केंद्रों पर कोरोना की जांच की जा रही है। 20 जिले के लिए भी हाल में अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि शेष 20 जिलों में भी कोरोना की जांच सुविधा जल्द ही विकसित कर ली जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलने वालों की संख्या तेजी से इस संख्या में इजाफा हो रहा है। देश भर में राजस्थान का रिकवरी मामले में सबसे राजस्थान आगे है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 38,000 से ज्यादा जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है। वह चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अनलॉक 1 के बाद प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा सुकून की बात यह है कि प्रदेश में 69% से ज्यादा मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहे हैं, जो कि देश में सर्वाधिक। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 2.3% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 3,072 कोरोना केसेज है और इसमें 2,021 अस्पतालों में भर्ती है, बाकी होम आइसोलेशन में है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राज्य में कोविड से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 405 कोविड केयर सेंटर और 42,000 से ज्यादा बेड्स हैं। उन्होंने बताया कि 8,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट और बेड, 1672 आईसीयू बेड और 881 वेंटिलेटर, पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट और N95 मास्क और फेस मास्क हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 1200 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें 300 वेंटिलेटर पोर्टेबल टाइप के हैं, जो कि खासे मददगार साबित होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 7.5 लाख से ज्यादा टेस्टिंग करवाई जा चुकी है। प्रदेश में अब 38,250 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है। प्रतिदिन 15,000 से 16,000 जांचें प्रतिदिन की जा रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिका से आने वाली अत्याधुनिक कोबोस 8,800 मशीनों के बाद अब 9,000 जांचें प्रतिदिन की ओर जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जांच सुविधा देश भर में सबसे बेहतर है। राजस्थान ने पड़ोसी राज्यों को भी 5,000 टेस्ट प्रतिदिन सुविधा उपलब्ध करवाई है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि देश भर में कोरोना पीड़ित के दुगुने होने की राष्ट्रीय औसत 19 दिन है, जबकि राजस्थान में ये 28 दिन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, जोधपुर, पाली सहित कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 100 से ज्यादा एक्टिव मरीज है। भरतपुर, धौलपुर जिले में बाहरी राज्यों के सुपर स्प्रेडर के जरिए संक्रमण का फैला हुआ है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह कंट्रोल में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, आज क्यों सभी पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ होते हैं, ये भी रहस्य बना हुआ है कि चाइना के साथ हुआ है क्या। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब से ये सरकार आई है, तब से हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते खराब होते गए हैं। खासतौर पर जब मोदी आए तो साउथ एशिया में सभी राष्ट्रपति यहाँ आए थे, फिर भी आज क्यों सभी पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ हो गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका हो। चाइना की बात सबके सामने है, यह रहस्य बना हुआ है कि चाइना के साथ क्या हुआ क्या है।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि जो तथ्य देश के सामने पेश किए गए हैं उनका स्वागत चाइना में हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट को चाइना की मीडिया वेलकम कर रही है, इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक हुई है देश के लिए। 20 जवान शहीद हो गए हैं। जब कोई शहीद होता है तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है ये सब जानते हैं। जब से सरकार आई है एनडीए की, तब से देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध जो थे वो बिगड़ते ही गए। कहाँ पर जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो साउथ एशिया के तमाम पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्रपति को बुलाया था, सब ये आए भी थे। क्या कारण है कि आज तमाम पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ हैं? पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो चाहे वो श्रीलंका हो, चाइना की बात तो सबके सामने है। और ये अभी तक रहस्य बना हुआ कि चाइना के साथ में हुआ क्या है। प्रधानमंत्री जी को देशवासियों को विश्वास लेना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य है कि जो तथ्य पेश किए गए देश के सामने उसका स्वागत चाइना में हो रहा है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और चाइना का मीडिया वाले लोग वेलकम कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट को, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक है। 20 लोग मरना किसे कहते हैं, 20 जवान शहीद हो गए देश के लिए। शहीद जो है जब होता है तो उसके परिवार में क्या गुजरती है वो सब जानते हैं, देश से क्या गुजरती है। राजस्थान के लोगों को तो ऐसा ही बात का, क्योंकि यहाँ घर घर के अंदर शहीदों का शानदार कुर्बानी का इतिहास का बलिदान का इतिहास है।